क्रिएट एडिशनल इनकम, एक अतिरिक्त आय के स्रोत बनाए. ओहो, इसने मेरा जीवन बदला था, इसने लाइफ बदली थी इस चैप्टर ने मेरी. जब मैंने इसको पढ़ा, 8 बार रिपीट किया, 8 बार, ये कहना क्या चाहता है. मैं तो पढ़ लिया, मैं थक लिया, आप परेशान मत हो, आपने तो राजाओं की तरह 800 दिए ना, मैं आपके लिए डांस मैं कर लेता हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इतने पन्ने पढ़ोगे, इतनी किताबें पढ़ोगे, उसकी जगह मैं आपको पूरे का निचोड़ दे देता हूँ. एक्स्ट्रा इनकम का मतलब ये है, 70 काम करने के लिए नहीं कह रखा यहाँ पचड़ों में पड़ जाओ, अच्छा 40 काम और करने, ना ना, चतुर्भुज बन जाओगे, समझना. इस चक्कर में कई कोड़े भी खा लेते हैं और कई प्याज भी खा लेते हैं. एक आदमी था, उसको बादशाह ने अजीब सजा दे दी और ऑप्शन दिए, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले, कौन सा चुनेगा. तो सारी दुनिया पहले कोड़े तो पहले दर्द करने लग जाते हैं, मारने से पहले उसने कहा प्याज, ठीक है प्याज खिलाओ जी. 1, 2, 5, 10, 15, 12 बंद बंद प्याज बंद, कोड़े कोड़े, 1, 5, 10 बस प्याज, कोड़े नहीं प्याज. फिर 10, 15, 20 सब में से धुआं निकलने से पारे बंद कर, कोड़े कोड़े, अरे बंद कर बंद कर बंद प्याज, कर कर 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया, और ऑप्शन था 2 में से 1 खा ले. तो काम तो जीवन में एक, पूरा ध्यान और फोकस के साथ वो करो. लेकिन आप क्या समझते हो, दौलत तो कई तरीके से आ जाती है, दौलत कई तरीके से आती है, एक्स्ट्रा इनकम. और आप जिस युग में अब आ गए ना, उस युग में तो एक लेडीज गुजरात की साधारण, उसका नाम निशा, वो खाना बनाती थी और मन में ऐसा विचार आया, बच्चों ने बोला माँ खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पड़ोस की आंटी को भी सिखा दो. पड़ोस की आंटी को सिखा, पड़ोस की आंटी के घर में खुशहाली आ गई, निशा जी का दिमाग हिल गया. तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, लोगों को इस पे मोबाइल पे सिखाती हूँ. निशा जी ने सिखाना चालू किया, नॉर्मल टूटी फूटी रसोई से दिखाना चालू किया. आज दुनिया उसे निशा मधुलिका कहती है और दिन की इनकम 1,00,000 रुपया है, यूट्यूब अमेरिका से जो मिलती है. जब आपकी ताड़ियों में कुरकुराहट हो जाता है तो मैं समझ जाता हूं टेंशन में बज रही है. टेंशन में बजने वाली ताड़ियां अलग ही पता चल जाता है मेरे को, क्योंकि दिल खुश के तो तब बजती है जब आपके बारे में बात हो. और ये निशा जी कमागी, मैं कहीं कौन कमाया. ये वो तालियां हैं जिसमें क्या दर्द भी होता है कि यार अब चल बजा तो ले यार. आप और हम उस युग में आ गए जहां दुनिया में धनी धन बरस रहा है, लेने वाला चाहिए. और इस आदमी ने मेरा जीवन बदला, क्योंकि इस आदमी ने वो सिद्धांत बता दिया, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाए. तब उन्होंने मुझे क्या बोला, वो बोलते हैं आपके पास दुनिया में जो भी है उसको लिख लो, जो भी है वो लिखो. अच्छा, महीना 2 महीना लग जाएगा पता करने में अपने पास क्या क्या है, क्योंकि आज तक तो बाहर देखा, दूसरों के घरों में झांका, दूसरों की तरफ देखा. तो भारत का डीएनए मास्टर है दूसरों की तरफ देखने में, तभी तो बिग बॉस अपने हिट है. अपने बिग बॉस पता है क्यों हिट है, क्योंकि उसमें दूसरों के घरों में देखने का मौका मिलता है. तो दूसरों के यहां झांकने की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि खुद की तरफ झांकना ही भूल गए. खुद की तरफ झांक जाए तब तो इंसान भगवान ही बन जाता है, खुद की तरफ ही तो नहीं झांकता. इसने मुझे, रिचर्ड टेम्पलर ने घूस घूस के बोला तेरी तरफ झांक झांक झांक. मैं जब पढ़ रहा होता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ रहा होता कि मैं आपको जाके सिखाऊंगा, मैं मेरे जीवन को बदलने के लिए पढ़ रहा होता हूं पहले. और मैं मेरे जीवन को अगर बदल नहीं पाता तो मेरी बात कभी इफेक्टिव नहीं होती, प्रभावी नहीं होती. जो खुद गुड़ खाना नहीं छोड़े और दूसरों को बोले गुड़ खाना छोड़ दे, उससे कभी मानेंगे नहीं लोग. मैं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करता हूं, फिर आप लोगों तक बाद में लाता हूं. मैंने लिखा और उसने लिख के बताया, जिस जिसके पास इनमें से कुछ भी है वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है. जिसके पास मकान है, आपके पास मकान है, महान भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पास मकान है, उससे पैसा कमाया जा सकता है. ये तो है भाग्य से मिलने वाली सूचना. कमाना कैसे है, पुरुषार्थ जगा, पुरुषार्थ जगा. यहां तक तो ला सकते हैं लेकिन सिकी सिकाई मुंह में नहीं दे सकते. अब पुरुषार्थ जगा,
जमीन किसी के पास हो तो वो महाभाग्यशाली है, चाहे 100 गज 200 गज जमीन हो। अगर आप इस भारत की किसी राज्य की राजधानी में रह रहे हो और आसपास रह रहे हो, आपकी जमीन से आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो बच्चे बोलेंगे बापू तूने तो अमृत से पांव धो लिया, क्योंकि ये पैसा दे सकती है लेकिन दिमाग आपको लगाना है। ये पैसा दे सकती है, आपके पास कोई भी गाड़ी हो ये लाइबिलिटी है, ये पैसा दे सकती है। जिस दिन मैंने रिचर्ड टेम्पलर को सुना, 3 घंटे सुना मैंने, क्योंकि अंग्रेजी में थी, आप अंग्रेजी में मेरे को जानते हो कितना मास्टर हूं मैं, तो हर बार उसको स्लो करके वो बोलते भी ऐसे ही है, ओ धीरे 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 पल्ले पड़ी, ओ हो हो हो। उस दिन 2 मन हुए मेरे, अरे यार मर्सिडीज बेंच, ओ माय गॉड, ये तो लाइबिलिटी है यार, 50 लाख रुपए पे 2 रुपए सैकड़ा ब्याज, ये 1 लाख रुपया होता है यार। लेकिन दुनिया में लकी लोग उनको कहते हैं जो पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को सही साबित करते हैं। मैंने इसे कहा आपको भी, पहले डिसीजन लेते हैं और फिर अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो अब ताकत लगा के उसको सही करते हैं। तो मेरे अंतरात्मा से आए, मैंने मकान से पैसा चालू कर दिया, मैंने जमीनों से पैसा चालू कर दिया, मेरी गाड़ी का दिमाग अटक गया मेरे सुई पे, अरे यार क्या करूँ। ये मतलब जब सोचते हैं तो ब्रह्मांड को फ्रिक्वेंसी जाती है। एक दिन मैं गुवाहाटी से लैंड किया दिल्ली, और रात की फ्लाइट नहीं थी, वहां से मैंने उबर करके रवाना हुआ जयपुर के लिए, और रात को 12 बजे मेरे को लेके आए एक सरदार जी। 3 घंटे बोलते रहे जयपुर तक, मैं सुनता रहा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया, उन्होंने धर्म के बारे में बताया, सरदारों के बारे में जो बातें मिथक है वो बताई, रात को 12 बजे वाले मैटर को सही करके बताया क्यों मैटर था वो, एक एक चीज को सही क्लियर किया कि भ्रांतियां कितनी हैं लोगों के। उन्होंने केश रखने का कारण बताया, कटार रखने का कारण बताया, 3 घंटे मुझे ज्ञान मिला। लेकिन जब आप कुछ करते हो ना प्रयास और मेहनत, तो प्रकृति आपको लास्ट में देती है। तो मुझे बोलते हैं सर दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, 1 घंटा ही बचा, मेरी सुन ली, कुछ अपने बारे में बताओ। अब मैं कुकड़ी होके आया था, उसको क्या पता कौन बैठा है पीछे। मैं कहा गाड़ी रोक, मैं आगे आता हूँ। आगे आया, फिर उसने पूछा, पहले वो अपनी बता चुका था हमारे पास इतनी गाड़ियाँ ऊबर में ये हो। फिर उसने पूछा तो गाड़ी, मैंने कहा है 2-4 छोटी छोटी गाड़ियाँ है, कौन सी है? स्विफ्ट है, डिजायर है, अच्छा फॉर्चुनर है, मर्सिडीज में है? हाँ, तो फिर आप फ्लाइट से क्यों आए? जयपुर से तो आ ही सकते थे। मैंने कहा मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ। लेकिन तू कह सही रहा है भैया, मैं 25 दिन घूम रहा हूँ और 1 करोड़ की गाड़ियाँ घर पर सजा के खड़ी कर रखी है मैंने। अब मेरा अगले 5 मिनट में भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि वो मुझे वो ओपिनियन सलाह देने वाला था जो मैंने ब्रह्मांड को फ्रिक्वेंसी भेजी। उन्होंने बोला सर आपकी गाड़ियाँ फ्री रहती है? मैंने कहा हाँ फ्री रहती है। तो मैंने क्या टैक्सी में चलाऊँ, मेरे तो प्राइवेट नंबर है। नहीं सर, जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती है। वो मुझे क्या कहे, सर भारत में जो अच्छे घरों में शादियाँ होती है ना, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लेते हैं, कभी भी टैक्सी नंबर नहीं लेते हैं, ताकि लड़के वालों पे अच्छा इंप्रेशन जाए। अच्छा ओके, आगे बताओ कि सर हमारे दिल्ली की रेटें बता देता हूँ मैं आपको। मर्सिडीज BMW ओडी और जैगवार की 2 घंटे की रेट है 35,000 रुपीज, दूल्हे को लाएगी और लेके जाएगी। दिमाग की बत्ती जला गया, वो क्या बोल रहा था उसके आगे मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन मुझे ये याद आया, मेरे भारत के वो लोग जिनको बेचारों को मर्सिडीज कभी शादी में नहीं मिल सकती, मैं उनके लिए मर्सिडीज बेंच शादी में दूंगा। मैंने तो अपॉर्चुनिटी देखी, मेरे भारत के गरीब लोग अपॉर्चुनिटी देखी। भारत के कौन जो 10-15 हजार रुपए का बजट रखते हैं, मैंने देखा मर्सिडीज की इमेज खराब हो जाएगी 21 से नीचे में। मैंने अनाउंसमेंट किया मर्सिडीज रेडी है, 21,000 रुपए की 5 बुकिंग राजेश जी मेरे खाते में पैसा आ चुका है, 4-4 घंटे जाने है, 1 लाख दे दिया है, मेरा वादा है 2 साल में 50 पेटी करके रख दूंगा। नकते बन जाओ दौलत में, बेशरम बन जाओ दौलत में, क्या समझ रखा आपने? इससे कुछ नहीं होने वाला रबड़ की नाक करने से। दौलत के बारे में जब भी चर्चा हो बेशरम बन जाओ रे। दूध दे रही थी घर पे, 25 दिन में फ्लाइट में, ये घर पे दूध दे रही थी।
7 अप्रैल अलग जाएगी, 14, 18, 17 अप्रैल अलग जाएगी, 6 मई अलग जाएगी, जारी भी 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर और वो पागल हो रहे हैं, 21,000 में मर्सिडीज, 21,000 में मर्सिडीज, पागल हो रहे अरे ओह माय गॉड। दौलत के चुंबक बनोगे ना तो मिट्टी भी पैसा देगी, और दौलत के चुंबक नहीं बने ना, दौलत के चुंबक नहीं बने और दौलत के चुंबक बने तो छप्पर फाड़ के देगी, और चुंबक नहीं बने तो फर्श भी उखाड़ के ले लेगी। ये समझ लेना प्रकृति का एक नियम है, जो सामान है उससे गाड़। ये तो फॉर्चुनर ब्लैक रह गई, नहीं तो माई गॉड 50 बुकिंग हम कैंसिल कर चुके। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, मैंने पूरा सुना है, मैंने उसको 16 घंटे की क्लास सिरचर टेम्पलर की पूरी लेके आया हूं, पूरी सुनो यार, ये 6 बजे तक का टाइम है आपके आज, फिर भी सुनो। 9 साल का रमेश पिताजी छोड़ के चले गए और पीछे नाई की दुकान छोड़ के गए, माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। जब कमी पड़ गई तो रमेश ने अपनी दुकान को किराए पे दिया, डेली के 6 रुपए उसको लीज पे उसने दिया। अंतरात्मा रो रही थी रमेश की, 9 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए, माँ झाड़ू पोछा करती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो जब जब आता ना क्या करूँ, तो ब्रह्मांड को फ्रिक्वेंसी भेज दिए, प्रकृति रास्ते सुझाती है। उसने फिर खुद ने कहा मैं ये सलून खुद चलाऊंगा, उसने खुद ने काम करना चालू किया। 3 साल तक कठोर मेहनत करके थोड़ा सा रुपया बना लिया। तो जिनके घरों में काम करती थी ना, उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, मारुति की ओमनी गाड़ी ले ले, उसको इंटेल कंपनी है ना जो चिप बनाती है इंटेल, इसमें किराए पे लगवा दूंगा। उसने 3 साल की खून पसीने की कमाई से कार ले ली और मारुति की ओमनी। ओमनी लेने के बाद उसने उसको किराए पे चलाया और शुरुआत हो गई रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की। आज 9 साल का लड़का जो रमेश था ना, उसके पास 256 BMW, ओडी, मर्सिडीज, जगुआर, फॉर्चुनर, 256 गाड़ियां हैं। अभी तक कोई बात पते की, अब बता रहा हूं, रमेश आज भी अपने खास ग्राहकों की कटिंग खुद ही करता है। 256 BMW, ओडी, डेटा परफेक्ट है, उनमें से गाड़ियां भारी भारी, आज भी वो तो मजे कटिंग में लेता है, क्योंकि वो सब पैसिव इनकम है, वो अकेला थोड़ी 256 चलाता है। एक घटना, हेलो चिक, एक घटना जीवन बदल देती है, लेकिन तब जब आप दौलत के बारे में परिभाषा अपनी सही करोगे। आपका पहला बटन गलत बंद हो जाए ना शर्ट का, तो ऊपर को तो मीनार है, उगायोग पहला प्रॉब्लम आ गई ना गड़बड़। आग पे बर्तन रख के पानी चढ़ा दिया, ऊपर से हवा कर रहे हो, ठंडा हो जा, कितने साल में होगा। हमारा दोहरा बर्ताव ही हमें दौलत से दूर रखता है। दोहरा बर्ताव नहीं, दौलत के बारे में सीधी बात करो, क्रिस्टल क्लियर बात करो, लिखो नगद कितना है। अरे पड़ा पड़ा दूध दे रहा है क्या, तू तो महंगाई से भी नीचे गया, उल्टा जा रहा है, मेरे नगद ने पैसा कमाया। मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, कमा के फिर आया हूं। ज्ञान नहीं, धारण कर पहले, धारण पहले धारण किया, एक एक चीज को तब बता रहा हूं। नगद भी पैसा देगा, आपकी मोटरसाइकिल तक उबर में पैसा दे सकती है, क्या बात कर रहे हो आप, जमाना 4G है भैया। लेकिन आप दौलत के चुंबक तो बनो, पैसिव इनकम के बारे में सोचो तो सही, दौलत आपके पास आएगी, आपकी गुडविल पैसा देगी। गुडविल नहीं बनी ना अभी, बन जाएगी, मेरी भी नहीं बनी थी कभी, बन गई। कितनी बन गई, अलग अलग जगह गुडविल बन गई। ट्रेनिंग के क्षेत्र में 4 घंटे की 2.5 पेटी, आपके यहां थोड़ी सी रिलीफ दे देता हूं मैं, 8 घंटे दे देता हूं आपको। गुडविल बन गई, गुडविल बन गई। 13 से ज्यादा कंपनियां मेरे से कांटेक्ट करने लग गई, 13-14 बड़ी कंपनियां जो मेरे चैनल के ऊपर एड देने के लिए तैयार है। लेकिन 13 में से कुछ तो गुटके का आया, कुछ जर्दे का आया, एक एल्कोहल वाली कंपनी का आया, एक ऐसी अमेरिका की कंपनी आई जो इंग्लिश की कोई एप्लीकेशन बेच रही थी, उसमें मैंने कहा नहीं, ऐसा पैसा नहीं कमाऊंगा जिसमें भाई साहब पैसा एक तो बाहर जाए और दूसरा यहां के लोगों को, मेरे ट्रस्ट पे मेरा चैनल देख रहे हैं, इस पे वही चीज जाएगी जिससे उसको फायदा हो, अपन ये पैसा नहीं चाहिए, प्रकृति अपने को वैसे ही बहुत दे देगी। गुडविल लेकिन आपको याद करती है, गुडविल आपको पैसा देती है, वो गुडविल आपको पूछती पूछती आएगी, एक दिन पैसा देगी, आपका निवेश आपको पैसा देगा। मेरा निवेश मुझे पैसा देता है, मेरा टारगेट है अगली बार जब आपके पास ट्रेनिंग लेने आऊंगा तो लगभग 1,80,000 रुपए तक मंथली किराया पहुंच जाएगा गेन करने का। राइट नाउ पहुंच रहा है 80 के आसपास।
80,000 आपका निवेश, आपने जहां निवेश किया। मैंने 56 लाख रुपए का फ्लैट लिया, 13,500 रुपए किराया आया, 23 लाख का ऑफिस लिया, 19,000 किराया आया। दिमाग में बत्ती जल गई, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान देना चालू किया। तो अब दो जगह पे जो मैं सोचता था यहाँ रेंट लूंगा 15,000 रुपया, वहां पे मैंने cabin.com समझ गया। cabin.com मेरी वेबसाइट बन रही है, जहां पे लोगों को एसी केबिन मिलेंगे। आप अपने आओ, एक दो घंटे के बैठो और 200 रुपए दे जाओ, मस्त, वो अपना बिजनेस है। कलेक्ट्रेट सर्किल पे आओ, जे चोमू सिकर रोड पे आओ, किधर भी आओ, अपने केबिन रहेंगे चारों तरफ। cabin.com बताओ, अब इसके लिए मैं केबिन में जाके घुसूंगा क्या? लेकिन वो देगा कि नहीं देगा? लेकिन कुंभलगढ़ में जब मैं आपको बता रहा था तो मेरे पास इतना नहीं आया था, लेकिन आज और पहले से ज्यादा आया। तो मैं आपको कह रहा हूं, मेरे साथ साथ लगे रहो, जितना चलता जा रहा हूं उतना आगे बढ़ते जाओ, अपने धन के साथ काम कराते जाओ, और जो कर रहे हो उसको प्राणों से सींचते जाओ, क्योंकि यही सोर्स है जो एक दिन रिसोर्स बनाएगा। मेरी जिंदगी का सोर्स मैंने मजबूती से, ईमानदारी से फॉलो किया तो रिसोर्स बन गए, आपके भी रिसोर्स बनेंगे। दूसरों को उधार दिया हुआ धन, ये भी आपको इनकम देना चाहिए। फर्नीचर और अन्य सामान, ये भी धन देने चाहिए। कुछ नहीं तो 3 ढांच लगा के पटक लो घर पे, पड़ी रहेगी बाहर। इतने सामान भी तो पड़े, दिन का 20 रुपए देती है, 60 रुपए होता है। मैंने कहा 3600 रुपए आता है साला, 1800 रुपए तो कितने रुपए का ब्याज होता है, और वो ढांच 300 रुपए की आती है। मैं तो देखो भाई साहब, प्राणों से डूब के काम करता हूं। मैंने ढांचे लाया नहीं, मेरे तो ढांचे 2000 रख दो चाहिए, इतनी जगह। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, दौलत से नफरत मत करो, दौलत के चुंबक बनो, दौलत के चुंबक बनो। फर्नीचर भी पैसा देना चाहिए, आपके घर का सामान भी पैसा देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, एक लेडीज को जानता हूं, उस लेडीज ने, उसके घर में कुछ भी आमदनी का सोर्स नहीं था, 5 बल्ली लिए, 5 फंटे लिए, राजेश जी 5 बल्ली 5 फंटे। आज उसके पास 5,000 बल्ली, 5,000 फंटे, 5,000 ढांचे। वो बापू है बिल्डिंग बनाने की दुनिया में, उसके पास, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता कोई। अरे मैं जानता हूं दिल्ली के पीएल भगत को, जो एक रिक्शा चलाता था, जो हाथ वाला रिक्शा चलाता था, आज उसके पास 1 लाख टैक्सियां ऊबर में, ओला में और जगहों पे, और सब जगह पे बापू बन गए। 1 लाख से ज्यादा रिक्शा हो गए। दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, सोच छोटी और बड़ी होती है। जूते बनाने का काम छोटा, लेकिन बाटा ने उसको लीवरेज कर दिया। लोहार का काम छोटा, लेकिन टाटा ने करके उसको लीवरेज कर दिया। दुनिया में आप अपनी एब्सेंस रहते हुए, आपकी प्रेजेंस नहीं हो, लेकिन आपकी चीजें पैसे दे रही होनी चाहिए। सर दौलत के चुंबक बनना पड़ेगा। और आप में से 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे 2-4 साल से साथ हैं। सुभाष जी भाई साहब जानते हैं, अजीत जी जानते हैं, सुभाष जी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मैं आपकी यात्रा, मेरी यात्रा साथ साथ चलती जा रही है, और मैं कोशिश करता हूं एक दूसरे की यात्रा में आनंद लेते हुए एक दिन सब लोग मस्त समुद्र में बैठ के मस्त डांस करें। यहां भारत में पैसा बन रहा होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। करना चाहते हो? Yes! अपने आप के सोर्स को मजबूत करो। आपकी पेंटिंग और एंटिंग आइटम भी पैसे देने चाहिए, आपकी पेंटिंग और एंटिंग आइटम भी पैसे देने चाहिए, हैं तो देने चाहिए। स्टॉक और बॉन्ड्स, मैंने स्टॉक्स और बॉन्ड्स अलग अलग परचेज कर रखे, म्यूचुअल फंड्स अलग परचेज कर रहे हैं, 1 से 2 रुपए के बीच में निकल रहा है जो मार्केट मंदी के टाइम पे। और आपकी बौद्धिक संपदा भी पैसा देना चाहिए। बीबीके वाइन्स, नाम सुना है? एक ऐसा आदमी जो मोबाइल पे, यूट्यूब पे लोगों को हंसाता है, खुश करता है, और गालियां भी जम के देता है। कितना आनंद ले गया, गालियां भी दे ली, हंसा भी दिया, और भारत में यूट्यूब में टॉप बापू है। क्या किया? ये बुद्धि लगाई कि मैं लोगों को हंसा कैसे सकता हूं। एक और है अमित बढ़ाना, इसका मतलब आप लोग जानते हो। दिन की इनकम 2-2, 5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख पहुंच गई। बौद्धिक संपदा, और कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? कोई सामान नहीं है, जो है वो इधर है। अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ। निशा मधुलिका रसोई आके लेके आ गई, उन्होंने हंसाना लेके आ गया। अरे आप में बहुत कुछ है यार। करसन भाई पटेल नौकरी करता था, लेकिन शाम को साबुन बनाने की प्रैक्टिस करता था। अपनी बेटी का नाम था निर्मा, बना दिया निर्मा, और छा गया पूरी दुनिया में निर्मा। जब तक आप अपनी जिंदगी में अतिरिक्त आय सोचोगे नहीं, आएगी नहीं, क्योंकि सोचे बिना होता नहीं है, और सोचने के बाद ही ताकत लगती है भाग्य की। लगाओगे एक्स्ट्रा इनकम?